वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है इस साल का यानी कि 2022 का आखिरी दिन, यानी कि अब से कुछ घंटे बाद नया साल शुरू हो जाएगा, यानी कि 2023 आ जाएगा। बस यार यही दुआ कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स और जो स्ट्रगल्स आए हैं ना 2022 में, वो 2023 में ना आए मेरे लिए। चलो बाकी सारी फॉर्मेलिटीज छोड़ते हैं। यार मैं दो दिन से बैडमिंटन क्या खेलने लगा हूँ, मेरी पूरी की पूरी कमर अखड़ी पड़ी है और एक साइड से एक टांग भी अखड़ी पड़ी है। पता नहीं मैं कैसे खेल रहा हूँ जो एक साइड की टांग अखड़ रही है, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल आज है 2022 का आखिरी दिन। अब सोच रहे हैं कि आज के दिन ऐसा क्या करें स्पेशल जो ये साल यादगार रह जाए, ये तो आपको व्लॉग में आगे पता लगेगा। लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ राजनगर प्लानिंग्स करने के लिए कि आज क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लीवो को भी नए साल की बहुत मेरे कपड़े में फाड़ दे, हट हट। लीवो तुझे भी नए साल की बहुत बहुत बधाइयां भाई। देखो कैसे खुश हो रहा है मेरा शेर। आए बेटे चल 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 उधर चल उधर चल, तू कपड़े फाड़ देगा मुझे तेरी पता है। बस 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 सिट 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 उधर चल सिट 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 लीवो सिट सिट। नए साल की बहुत बहुत बधाइयां भाई, क्या हाल है तेरे, हेलो कर। बहुत तेरी ऐसी यार, इसको हेलो करने के लिए बोला था, सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं देखना ये यहां से। अच्छा हुआ चलो फटा नहीं है कुछ भी। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपको सिर्फ आपको। हाँ जो कल तो है ना, एडवांस में मैं आपको विश कर रहा हूँ ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ईयर। ओके कीप लविंग मी कीप सपोर्टिंग मी एंड मुझे डांटना मत यार। न्यू ईयर का प्लान कुछ नहीं है, 10 बजते सोना है मुझे तो। 10 बजते सो जाओगे छी यार, एक पैक लगा के सोना गया आराम से। मैं तो वेब सीरीज देखूंगा अभी, वेब सीरीज पेप्सी पी के ही भग जाऊंगा, पेप्सी पी के भग जाएगा ये। तो अभी मैं पहुंच चुका था राजनगर और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बुरी बात पता लगी है। जो मेरे पिछले चाचा है ना, उनके जो लड़का और लड़की है उनका एक्सीडेंट हो चुका है, थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन चोट थोड़ी ज्यादा लग गई है। देखो भाई दुख देखो कितना हो रहा है बच्ची को, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, रोने की बात नहीं है। रोने क्या बात है इसमें, ना करते भी पैसे ऐसे देना है। और अभी मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। वासु तू भी चल रहा मेरे साथ, आ जल्दी चलो। अभी हम पहुंच चुके थे तक्षशिला और चाचा का मकान चेक करें आप, ये है चाचा का मकान और ये है वो स्कूटी जो कल स्लिप हुई थी, इस पे चोट लगी थी उनके भाई। इसकी मुझे नहीं दिखाई देने दी, इसकी डैमेज कहाँ है? मैं कहते थे कि पार्क में घुसना पसंद नहीं करूँगा। किस साइड को गिरे थे? देख 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 वासु यारी स्क्रैचेस, गाइज चेक दिस आउट, ये रहा स्क्रैच और यहाँ पे भी स्क्रैच है, ये भी स्क्रैच है, वहाँ से बैंड भी पड़ी हल्की सी और देखो आगे से भी वहाँ भी। आप लाइट के पास भी ये क्या बोलते हैं ना स्टील के जो ये गार्ड्स लग रहे हैं ना, सेफ्टी गार्ड्स। देखो उधर देखो कहाँ पे, देखो नीचे का नहीं है। अच्छा कैसे अंदर को बैंड। अरे हाँ गाइस देख रहे हैं ये कर्व, देख रहे हैं कर्व, ये जो कर्व आ रखा है ना ये कल गिरने की वजह से आ रखा है। आई होप यार ज्यादा चोट ना लगी हो उन दोनों को। फोन करो अंदर जरा, रेस्क्यू आएगी टीम। अब दिक्कत हो गई गाइस, गाइस देख रहे हैं रोड व्हीलर। हाँ भाई क्या नाम है? एवन नाम है उसका। भाई कभी फोन पे कूद जाए, बस शेर बस साहब कानों में तो आवाज इसकी चुभी है एकदम, दिल पे भी टक्कर मारी है इसकी आवाज ने। रोड व्हीलर की आवाज सच में बहुत तगड़ी होती है, इनकी भौंकने की जो आवाज होती है ना सच में बहुत तगड़ी होती है। वो फोन आ रहा किसी का। तो गाइस चाची जी इसे बंद कर रही है फिलहाल। ऊपर ले बात आंटी नमस्ते। तो हे गाइस हम पहुंच चुके थे कैनल पर और आज मेरे साथ आया भाई बहुत ही पुराना यार मेरा मार्शल। वैसे तुझे एक बात बताऊं, तेरे नाम पे मेरे कुत्ते का नाम था मार्शल। गाइस आप लोगों को पता भी होगा जो हमारे पास एक रोड व्हीलर आया था ना उसका नाम भी मार्शल था और इसका नाम भी मार्शल है। चल भाई रोड व्हीलर भाई, ये काफी दिन से जिद कर रहा था कि मुझे घोड़ा दिखा घोड़ा दिखा, तो मैं आज इसे घोड़ा दिखाने के लिए लेके आ गया हूँ। तो यार पापा जी को आज निकलना था हापुड़ के लिए और आज काफी दिन के बाद आया हूँ मैं कैनल पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अच्छा मौका है मार्शल को घोड़े से मिलवा देंगे। आजा मार्शल, बादल नाम है इसका, बादल आजा भाई, शेर आजा बादल। लात तो नहीं चलाता खैर।
एक तो भाई ये कुत्ते ही जो शांत नहीं रहते। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, ये हमारी देसी गाय और मैंने इसे काफी दिन से मतलब इसे छुआ भी नहीं है, इसकी तरफ गया भी नहीं हूँ, लेकिन इसके ओ भाई लेकिन इसके बारे में सुनने में अब ये आ रहा है कि ये सबको मारने लग गई है, पता नहीं क्यों, यानी कि पापा जी को छोड़ के सबको मारती है। अभी मैं भी देखो मैंने हाथ करा था ना, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, तो इसका जो चारा है ना वो तो मैंने अंदर रख दिया है और इसको बांधना भी मुझे वही है क्योंकि रात को इसे ठंड लगेगी ना, बाहर इसको छोड़ नहीं सकते, अंदर ही बांधनी पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि अंदर बांधूंगा कैसे क्योंकि अपने पास तो मुझे आने दे रही नहीं है ये। बस बस ओ भाई चलो बहुत प्यार से कंट्रोल हो गई, बहुत प्यार से। बात ये यार इसको वहां बांध रहा है मुझे, अब मैं ऐसे में इसका भाई देखो ये रस्सी भी खोलूंगा कहीं ऐसे मुझे दबोच ना ले यार वहां तक ले जाने में। बड़े प्यार से कंट्रोल हो चुकी गाइस, यार मार्शल डर ये लग रहा है, मैं इसको खोलूं कभी दीवार में देके मार दे यार मुझे। रेडी मैं सोच रहा हूँ कि मार्शल को इसके अंदर भेज दूं, क्यों पहले तो जा मैं फिर जाऊंगा। अरे नहीं यार मैं तो चला ही जाऊंगा, भाई साहब मार्शल जाने वाला है इसके अंदर, अरे मजा आएगा जा तो सही, यहाँ से कूद के चला जा, चल पहले तो जा मैं वीडियो में नंबर दे दी मेरे जाने के बाद जाएगा देख ले। हाँ। हिला दिया पूरा तूने तो, ये कह रहा है कौन गधा आ गया। लौंडे चल तेरी बारी है, चल चल बन के, बहुत बढ़िया चल 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 और आराम से, बहुत आराम आराम से जाना इसके पास तुझे ऐसे। पकड़ना इसको, हाँ और क्या, आराम से झटके से मत पकड़ी ऊपर, दुल्हन की तरह जा, चल बहुत आराम से चल, जैसे शिकार करते हैं ना ऐसे, हाँ आराम से आराम से भाई, तेरे से तेरे हाथ नहीं आ रहा, ये तेरे से भेगा। नहीं तेरे हाथ नहीं आ रहा भाई मार्शल, ये मार देगा। ओए, ओए। ओ भाई चल बादल, चल चल बेटे चल बादल, ओ भाई चल बादल तो गाइस एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारा बादल खाता क्या क्या है। तू क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, इसको बोलते हैं हाँ मुंजी का पूला कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, फिर उसके नीचे आ जाती है जई, ये जो लंबी लंबी सी देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते हैं जई, फिर उसके नीचे देख रहे हैं चने की दाल, ये चने की दाल देख रहे हैं आप ये, और फिर सबसे नीचे आ जाता है भाई देखो चोकर, ये इतना सारा माल खा रहा है भाई। उसके बाद मुझे बादल को यहाँ से निकाल के यहाँ बांधना है क्योंकि सच में एक मुश्किल टास्क होने वाला है क्योंकि पापा जी यहाँ पर नहीं है, मुझे खुद इसको पकड़ना है। कान खड़े नहीं होते यार उसके। गाइस ये वही वाला कुत्ता है जो भी फिलहाल पापा जी लेकर आए थे ना। तो गाइस अब है सबसे मेन काम, बादल को बांध के इधर बंद करना है, बादल बाहर ना भाग के आ जाए एकदम से। ओए उधर से ढीला तो नहीं हो रहा ना, ना बस 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 चल खोल आजा आजा ओए ओए क्या रहा आजा
जब पकड़ का से भाई मोहरा बोलते हैं वैसे तो। सही बोला। बादल नहीं नहीं बेटे नहीं, बस 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 मार्शल एक काम कर, ड्राम को पीछे कर दे। भाई भाई सबसे हार्ड काम लगाया मुझे अभी तक का अपने चैनल पे। गाइस इससे मुश्किल काम तो मुझे आज तक मिला ही नहीं है भाई। बादल को बाहर निकालने के चक्कर में सारा तो मिट्टी में हो गया भाई, ऊपर से लेके नीचे तक सारा। और भाई इसने बाहर आने के लिए इतनी जिद करी है ना, वो तो थोड़ी टेक्निक्स अपनानी पड़ी है इसलिए बाहर आ भी पाया है, वरना ही बाहर नहीं आता गाइस आज। चलो जैसे भी है, फिलहाल तो बंद कर दिया इसे और अभी फिलहाल जल्दी से घर चलते हैं। जर्मन पकड़ो।